ये शरीर अनमोल है मेरी माँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, किसी का हाथ टूट जाए तो पूछना कि हाथ की कीमत क्या है, किसी का पांव टूट जाए तो पूछना कि पांव की कीमत क्या है, किसी की आंख फूट जाए तो पूछना कि आंख की कीमत क्या है। ये अनमोल शरीर ईश्वर ने दिया, स्वस्थ शरीर दिया, वो शरीर पाकर भी ईश्वर को ना पाया तो इससे बड़ी हानि कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता। इस शरीर को पाकर भगवान को ना पाया, मन को केंद्रित ना किया, सही काम ना किए तो क्या किया। सुअर भी तो नाले में सोता है और शराब पीने वाला भी नशा के धुत होके जाके नाले में गिरता, तो उस सुअर में और इस सुअर में अंतर क्या बचा, बताओ है कोई अंतर? तो आप सुअर हो कि इंसान हो, बताओ जल्दी बताओ, इंसान हो ना कि सुअर हो? तो फिर इंसानों की तरह रहो, इंसान हो के सुअर ना बनो। यदि आप शरीर से इंसान हैं और कर्म से सुअर हो गए तो सुअर ही ना कहलाए जाओगे, इसलिए इंसान बनाया ईश्वर ने, इंसान रहो, इंसान रहो, सुअर ना बन जाओ। दोस्तों की संगति, ये दोस्त नहीं है जो तुम्हें शराब पिलाएं, वो दुश्मन है तुम्हारे, अपना जीवन बिगाड़ते हो शराब पी के। शराब पीने वाले व्यक्ति को मैं समझदार नहीं मानता, बेवकूफ मानता हूं एक नंबर का। समझदार होता तो शराब ही नहीं पीता, समझदार नहीं है इसलिए पी रहा, उसकी समझदारी में जरा कमी है इसलिए पी रहा। समझदार व्यक्ति शराब क्यों पिएगा ये बताओ। आप मेरे से कहो कि महाराज जी 1 करोड़ रुपए दूंगा शराब पी लो, आप मुझे शराब भी दो और 1 करोड़ भी दो और 10 करोड़ भी दो और 100 करोड़ भी दो तो भी मैं शराब नहीं पीऊंगा। मुझे पता है कि शराब पीना महापाप है। कुछ होते हैं पाप, कुछ होते हैं महापाप, उन महापापों में एक शराब है। शराब पीना 5 महापाप बताए गए हैं, 5 महापाप बताए गए। 5 महापाप कौन कौन से? 5 महापाप हैं, पहला महापाप है गौ हत्या, दूसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी, सोना, गोल्ड चुराना, सोना स्वर्ण की चोरी महापाप है, गौ हत्या महापाप, स्वर्ण की चोरी महापाप, ब्राह्मण हत्या महापाप, ब्राह्मण की हत्या, शराब पीना महापाप, शराब भी आता है महापाप में, और गुरु जी की पत्नी पर गलत नजरें रखना, उनके साथ दुराचार करना, या फिर पुरुष गुरु जी की पत्नी पर गलत नजरें रखे, या फिर कोई गुरु जी पर ही गलत नजर रखे स्त्री, तो गुरु को गलत नजर से देखना, काम वासना के भाव से देखना गुरु को, और गुरु पत्नी को काम वासना के हिसाब से देखना, दृष्टि से देखना, ये 5 महापाप है। एक शराब भी है, छोड़ दोगे शराब? छोड़ दोगे? सोचिए कि गौ हत्या जितना बड़ा पाप है उस श्रेणी में शराब के पाप को रखा गया है शास्त्रों ने, कि शराब पीना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पाप गौ हत्या है। आप जितनी बार शराब पीते हैं उतनी बार गौ हत्या का पाप आपको लगता है। गौ हत्या और शराब एक ही पाप माने गए हैं। ये सब महापाप कहे गए हैं, इनसे बचना चाहिए। भगवान का नाम जप करो। अजामिल जैसा पापी मरते समय क्या निकल गया अजामिल के मुंह से? अजामिल ने क्या बोला था मुंह से, क्या निकाला मरते समय? नहीं पता? नारायण बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वर्ण उच्चै राजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण नारायण नारायण, जब नारायण नारायण अजामिल ने पुकारा तो एक नाम लेने से अजामिल को
पार्षदगण आ गए, यमदूतों से कहा इसे मत ले जाओ क्योंकि मरते समय इसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया। नाम की बड़ी महिमा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई जुवाणी लोग जुआ खेल रहे हो, आपके गांव में ना कुछ लोग गांव के बाहर कहीं के जुआ खेलते होते हैं, कोई जुआ खेल रहा हो और कोई आवाज, अरे पुलिस 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 का नाम सुनते ही जुआणी भाग जाते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ, बोलो हाँ मैया, बोलो हाँ कि ना। जुआ का खेलने वाला, जुआ खेलने वाला व्यक्ति पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाता है। सोचो कि जब पुलिस का नाम इतना पावरफुल है कि पुलिस का नाम सुनकर जुआड़ी भाग गए, तो पुलिस का नाम सुनते ही चोर भाग गए, चोर भाग जाते हैं ना, चोर उचक्के भाग गए, जुआड़ी भाग गए पुलिस का नाम सुन के, तो भगवान का नाम सुन के भी अंदर के जितने काम क्रोध लोभ मोह के चोर बैठे हैं आपके भीतर, वो सारे भाग जाते हैं नाम लेते ही। अंदर जितने आपके भीतर चोर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चोरी से तो आते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, ये चोर ही तो हैं। तो ये चोर लोग भी भगवान का नाम लेते ही, इसलिए काम उन्हें नहीं सताता जो राम की शरण में है।